सुबह मम्मी मम्मी बना रही है मटन। ये टमाटर डालना बचा, बाकी सब हो गया है। इसी तरह से मैंने भी बनाया था। टेस्ट का, यहाँ के इंग्रेडिएंट्स का फर्क होगा। तो गाइज, अगर आपको इस मटन करी की रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक दे रही हूँ नीचे, उस पर मैंने एग्जैक्ट इसी तरीके से मटन बनाया है। तो ये बन गया मटन। इसको तवे पे रख दिया है, इस बार पतला बनाया मम्मी ने, क्योंकि चूर के खा सकते हैं। हाँ माँ, आज मुझे ये वाली प्लेट चूज करने का मन किया। वीडियो में खाना दिखाते वक्त थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ मैं, तो बिना बोटी के सिर्फ तरी में ही डिप करके खा रही हूँ। आज मैंने अपने भाई को ये बोलते हुए सुन लिया था कि उसको चाइनीज खाने का मन कर रहा है, तो मैंने चुपके से एक चाइनीज नूडल्स ऑर्डर कर दिए। आज चंचल को लगा कि इट वुड बी वेरी फनी अगर इवान से मारवाड़ी और हिंदी वर्ड्स बुलवाए जाए तो। क्या बोल रहा है? बस दीवान। मैं नानी नानी के घर आया हूँ। वाह दीवान, गुड जॉब। मामा मामा जी ने मुझे मुझे ऊपर बौछाली बौछाली आइसक्रीम आइसक्रीम खिलाई खिलाई। Yes. Wow. Ivan, say in Marwadi. Marwadi. Yes. Very fast. Maro. Maro. Naam. Naam. Ivan. Ivan. Hai. Hai. Main. Main. Bagdi. Bagdi. Jaula. Jaula. Wow. Say, main. Main. Khiro. Khiro. Khau. Khau. Say, khamagani. खमन को ले खमन गड़ी ले। इवान से मैं तो थाक गयो थाक गयो। मने मने घणी मने भूख भूख लागे रही है लागे रही है। लाइक कब इसके नहीं, लेकिन पहले मुझे लगा नहीं था इसको बोलने से इतना अच्छा रिपीट कर लेगा ये। आरू आपा खेला गणे छारो मैं थाक गयो नहीं, ये फोन के पीछे लड़ रहे हैं। तो फाइनली आ गया मेरा वैक्यूम क्लीनर। मेरा भाई और चंचल बात कर रहे थे कि कंटारा रिलीज हो गई नेटफ्लिक्स पे, हम लोग सब मिलके देखेंगे, तो उसका भी प्लान कर रहे हैं। मुझे याद है 27 इयर्स अगो जब हम इटारसी में रहते थे, तब यूरेका फोर्ब्स वाले घर घर जाके वैक्यूम क्लीनर का डेमो देते थे। हमारे कुछ पड़ोसियों ने खरीदा भी था, लेकिन हमको काफी महंगा लगता था उस टाइम। मेड्स रहती थी तो हमको कभी इतनी जरूरत नहीं लगी उसकी, लेकिन मम्मी के मन में हमेशा से इच्छा थी खरीदने की। तो इस बार मैंने यूरेका फोर्ब्स का ही वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया है। चाइना में मेरे पास बहुत अच्छा वाला वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन कभी यूज नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इवान बहुत डरता है उसकी आवाज से, तो वो हमेशा पड़ा रहता है बस। मैंने सोचा था अच्छा सा डेमो वेमो दूंगी, लेकिन बच्चे कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, तो शायद बाद में। The next day. Hey guys, good morning. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हम क्या कर रहे हैं। आज सुबह एक नॉर्मल डे है यहाँ पे, मेरा गला फिर से खराब हो गया था। मेरा यहाँ पे गला खराब होता रहता है, तो जब भी मैं जरा भी बाहर जाती हूँ 2-5 मिनट के लिए गले में खराश हो जाती है। इवान भाई साहब खेल रहे हैं अभी यहाँ पे। चाइना में तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप करती हूँ मोस्टली, यहाँ पे हम खाएंगे चंचल की बनाई हुई नमकीन सिवैया। और मम्मी मम्मी को स्पेशल बना रही रोज की तरह चाय। चाय मम्मी की बहुत स्पेशल रहती है। और आलू पालक की सब्जी। तो यहाँ पे पालक देखो कितना अलग आता है, चाइना में एकदम ही अलग दिखता है। चाइना में पालक का शेप भी अलग होता है, कलर भी अलग होता है, और बहुत ग्लॉसी टाइप की उसकी लीव्स होती है। और ये तो मूली का वाला है ना सूप के लिए।
लिटरली जब भी मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ सब धीमी आवाज में बात करने लगते हैं। यहाँ पे उबाल के दूध डालते हैं हम, तो वहाँ चाय में कच्चा ही दूध डाल देते हैं। अदरक डालने से फट जाता है। हाँ, ये चाय पी के एकदम गला ठीक हो जाता है। इन बच्चों के खेलने के लिए हमने सारी ग्लास की टेबल्स जो है कोने में कर दिए, खाली कर दिया है, तो रूम पूरा सेट नहीं लग रहा है, बट ये टेम्पररी है। इवान ने मुझे दे दी गाड़ी, अब इसके साथ खेलूं मैं, यही बोल रहा है। ये मेरी और ओडिन की फोटो है प्री वेडिंग शूट वाली। इवान के लिए खिचड़ी भी मैंने बना दी है थोड़ी सी। क्या बन गई है ये वाला कप, मुझे बहुत पसंद है। ये खुला ले चंचल कप लेती है। हाँ माँ सो जाते। इवान वो आइसक्रीम खा रहा है जो मैंने इसके लिए बनाई थी, है ना इवान? डू यू लाइक दिस आइसक्रीम? इट्स नॉट सॉसेज, इट्स आइसक्रीम। ये स्ट्रॉबेरी। तो मम्मी अभी बना रही है मूली पालक की सब्जी, मूली और यहाँ पे पालक और मूली बनेगी। और इसमें क्या जीरा लहसुन मूली सरसों के तेल में ना क्या डाला मम्मा? मसाला। मैं आपके बोल दो ना सुन लेंगे ना। अच्छा और क्या, क्या मेरी आवाज आएगी फोन से? ये मूली के पत्ते और मूली, ये मूली और मूली के पत्ते मसाले के साथ। और कुछ दिन से इवान और आरू क्रेजी फ्रॉग वाले सॉन्ग के पीछे पड़े हैं, कार्टून के अलावा कुछ भी नहीं देख पाए हैं हम। अब मम्मी डाल रही इसमें काटा हुआ पालक, है ना? वो मूली थी और ये पालक है। मूली और मूली के पत्ते बॉईल किए हुए थे, पालक कच्चा। ये बाजरे की रोटी और मक्की की रोटी के साथ सर्दियों में बहुत टेस्टी लगती है। हम लोग बाजरे की रोटी बहुत खाते हैं, डेली खाते हैं ना यहाँ पे। हाँ सर्दी में। ये मम्मी बाजरे की रोटी सेक रही है अभी, देखो आप एकदम जैसे फूल जाते हैं। हाँ इसको ज्यादा सेकना पड़ता है ना, धीमी आंच पे अच्छा सेकता है। राजस्थानी किचन में इतना स्टोरेज होता है कि जितने चाहे बर्तन डाल दो अंदर। मूली पालक की सब्जी तैयार है, टेस्टी टेस्टी। यदि आपको टेस्ट बढ़ाना हो तो बाजरे की रोटी में अच्छे से घी लगा के भी खा सकते हैं। हाँ। लेकिन मेरी बिटिया जो नहीं खाती है। नहीं घी थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, हर चीज में बहुत घी रहता ना माँ, चला ही जाता है घी ना भी चाहो तो खूब सारा। अरे वाह, ये मेरे लिए माँ, मुझे तो भूख ही नहीं है थोड़ी सी। आप खा लो ना एक खा लो, सच में मुझे भूख नहीं, अभी नाश्ता किया ना मैंने। अभी मैं जा रही हूँ कुछ फोटोकॉपी कराने के लिए काम से, और मैं ये स्कूटी यूज कर रही हूँ। पहले मेरे पास स्कूटी पेप थी जो कि अभी नहीं है, अब ये बड़ी वाली कोई तो स्कूटर है, और इसी से मैं थोड़ा आसपास का काम करती हूँ। तो यही है, कभी कभी जो छोटे मोटे काम होते हैं, सब्जियां लाना फ्रूट लाना, वो मैं यहीं से कर रही हूँ। आपको भी दिखाऊंगी मैं कहाँ जाऊंगी। अभी मास्क मैं लगा रही हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है, हर जगह डस्ट। अभी स्कूटी को भी मैंने साफ किया, इतनी गंदी हो गई थी ये एक ही दिन में। जैसे इंटरस्टेलर में दिखाया ना कि एकदम डस्ट डस्ट है हर जगह, लोगों को खांसी हो रही है, वैसा मेरा हाल हो गया है यहाँ पे। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ छोटे मोटे काम कराने के लिए, जैसे स्टैम्प पेपर खरीदना है, उस पर कुछ प्रिंट कराना है, कुछ सब्जियां वगैरह लेनी है। और सामने सड़क के पार ऑटो देख रहे हो आप, बार बार इवान उस पर जाने की जिद करता है और मम्मी फिर उसको लेके जाती है जब भी मैं बाहर होती हूँ। तो इस दुकान में मैं बहुत टाइम वेट करती रही, लेकिन स्टैम्प पेपर पे प्रिंट कराने का काम नहीं हो पाया यहाँ पे, तो मैं कोई दूसरी दुकान ढूंढने भी लगी। और यहाँ पे पीछे ही मुझे देखा कि बड़ा सा पब्लिक टॉयलेट भी बना हुआ था यहाँ पे, विच इज वेरी नाइस। तो प्रिंट आउट वाली दुकान में इतनी लंबी लाइन लगी थी, मेरा नंबर काफी लेट आया। और एक चीज मुझे अचानक से हिट की कि चाइना में 90% शॉपकीपर्स जो औरतें होती है, और यहाँ पे राजस्थान में स्पेशली सारे आदमी ही हैं। एनीवे स्टैम्प पेपर पे प्रिंट आउट इसी दुकान में निकलना था, तो मैंने काफी वेट करके करा लिया। और उसके बाद मैं गई कुछ सब्जियां लेने जो मम्मी ने मंगाई थी। यहाँ पे आ गई हूँ, मम्मी ने खीरे मंगाए थे। तो ये शॉप में बहुत ही अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, हमेशा हम यहीं से लेते हैं, घर से एकदम पास है। तो मैंने खूब सारे ले लिए क्योंकि इवान दिन में दो तो खा ही जाता है, सब्जी के नाम पे बस यही खाता है। पेटीएम एक्सेप्ट हो रहा है। जब बचपन में मम्मी हरे चने की सब्जी बनाती थी तो मुझे मीट का रिप्लेसमेंट लगती थी, चाइना में भी मुझे कहीं दिखे नहीं, तो मैं लेके जा रही हूँ। 179 बस, ओके। तो 179 में मैंने लिए हैं बहुत सारे खीरे, टिंडे और हरे चने। ये हमारे खाने का टाइम हो गया है।
दोनों के अच्छा मटन में आधा लूंगी, रोटी और मूली पालक। और उसके बाद मेरा भाई है ना पूरा का पूरा मटन मुझे देने के पीछे पड़ गया, खुद नहीं खा रहा था। ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हो आप, ये बच्चों के टॉयज की आवाज आती रहती है और इनकी खुद की भी बहुत आवाज आती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं व्लॉग्स रिकॉर्ड ही नहीं करती हूँ घर पे। तो शाम को मैंने देखा चंचल आरू के लिए कुछ मिल्क चॉकलेट्स बना रही थी। इवान को मिल्क से एलर्जी है तो मैंने कोको बटर यूज करके उसके लिए वीगन चॉकलेट्स बना ली खूब सारी और उसमें ये नट्स भी डाले, ये वाले नट्स यूज किए थे। तो अब मेरी भाभी बना तो अब मेरी भाभी बना रही है। एक्चुअली मैं भाभी नहीं नाम से बुलाती हूँ चंचल को, लेकिन ऐसे ही मैं आज भाभी बोल दूंगी उसको ऐसे ही। तो वो बना रही है मूली के पराठे, जैसा कि आपको पता ही होगा इसकी कुकिंग, इसकी बोलो कि इनकी बोलो, इसकी इसकी इनकी कुकिंग बहुत ही अच्छी है, आपको पता ही होगा कढ़ी जो बनाई थी। और आज मैं वेट कर रही हूँ ये बनने का पराठे, सभी वेट कर रहे हैं। फिर मम्मी लाइट ऑन ऑफ करके देखने लग गई कि किस लाइट में वीडियो बेस्ट आ रहा है। हाँ बढ़िया है, नहीं सही है, रहने दो दोनों रहने दो। तो हम लोग अभी ऐसे हंस रहे थे क्योंकि मैंने पहले कभी भाभी नहीं बोला चंचल को क्योंकि वो छोटी है मुझसे ऑब्वियसली। ये देखो धनिया, हरी मिर्च तो यहाँ पे इतनी ज्यादा यूज होती है। हाँ धनिया हरी मिर्च और बस प्याज है, वही मिला देंगे। पता है मेरे चैनल पे सब भुक्कड़ है मेरे जैसे, तो यही देखने के लिए आते हैं। चैनल तो मैंने चाइना के नाम पे खोला है, लेकिन खाना कोई भी टेस्टी खाना हो सब आ जाते हैं देखने के लिए। अपने ऑडियंस को रोस्ट कर ली, बस ये ना सब, ये क्या है? अजवाइन का फ्लेवर ज्यादा अच्छा था। लाल मिर्च और मथानिया वाली लाल मिर्च, रेड होती है लेकिन इतनी स्पाइसी नहीं होती। धनिया, सो जाओ आप, मम्मी ने मेरी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे टिंडा भी बनाया हुआ है जिसको मैं एक हाथ से खोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो आप, स्पाइसी टाइप का है ये, अब इसको मिला रहे हैं हम। कितना अच्छा लग रहा है, कलर कितना अच्छा था व्हाइट के ऊपर था सारे, इसका किसी भी स्टफिंग का कलर इतना सुंदर नहीं आता, एक तो पनीर का और एक ये मूली का इतना अच्छा लगता है। ये हमारा सबसे बड़ा वाला कांच है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा है, यहीं पे सब लोग हाथ मुंह धोते हैं नीचे। मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगता है, इसका वॉलपेपर जैसा ये टाइल जो है, और ये टाइल मम्मी ने चूज की थी, मम्मी की चॉइस हमेशा बेस्ट रहती है। Don't play with it, Ivan. मैं वैक्यूम क्लीनर एक बार भी यूज कर नहीं पाई हूँ क्योंकि इवान कार बना के खेलता रहता है। ये मिक्स होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, देखो आप कितना सुंदर। 20 minutes later. Oh, तो यहाँ पे है ना पराठे सिक गए हैं दो, तो देखो और यहाँ पे और बन रहे हैं। मम्मी है ना अंडे की भुर्जी बना रही है अभी, ये देखो आप थोड़ी सी। तो हमारे इतने आइटम्स हो गए, मूली का पराठा, अंडे की भुर्जी और टिंडे की सब्जी। इवान लुक, बहुत गरम खा पाएगी तू इसको। पराठा, मूली का पराठा, अब हम इसको लेके चल रहे हैं टेबल की तरफ जहाँ पे और मूली के पराठे पड़े हुए हैं, और थोड़ी सी हम टिंडे की सब्जी लेंगे। और ये प्लेन रोटी, तो हम ये खा रहे हैं और पीछे इवान बहुत ही शोर मचा रहा है। इवान, व्हाट हैपेंड? Why are you crying? Who are you trying to copy? This is an egg box, but it's empty. Oh no, there is one egg. What? Ivan, be careful, you'll break it. सब कुछ बहुत अच्छा है, यानी भुर्जी तो मम्मी बहुत अच्छी बनाती है, वो भी कम तेल में। और पराठा खा के देखती हूँ।
एकदम परफेक्ट है। टिंडा मम्मी ने एकदम शाही टिंडा स्टाइल का बनाया है, यानी बहुत सारे खड़े मसाले डाल के, तो वो भी अच्छा लग रहा है। मैंने सॉस भी ले लिया और वहाँ पे इवान आइसक्रीम खा के खा रहा है। उसको कोल्ड हो गया था, अभी रिकवर भी नहीं हुआ पूरी तरह, लेकिन उसको आइसक्रीम ही खानी है। तो फिर थोड़ी देर बाद मम्मी ने एक बीटरूट और टमाटर का सूप बनाया जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हेल्दी टाइप का सूप है, एकदम टमाटर वाला फ्लेवर ज्यादा आ रहा था। उसमें ब्रेड भी डाली हुई है, देखो अमरूद और एप्पल भी पड़े हुए यहाँ पे। और रात में मैंने सोचा कल जो चंचल ने कढ़ी बनाई थी वही खा लूंगी, उसमें उसने पकौड़े भी डाल दिए थे बाद में, जो मैंने आपको दिखाया नहीं। हमारे यहाँ इतना खाना बनता है और बाहर से भी आता है, इतने सारे लोग हैं तो बहुत सारा खाना लेफ्ट ओवर फूड जैसे रह जाता है फ्रिज में, तो मैं चाहती हूँ कि सारा खत्म हो जाए। चंचल ने भी अपनी फेवरेट सीताफल वाली आइसक्रीम मंगा ली थी, तो पहली बार मैंने उसको टेस्ट किया, बहुत अच्छी थी, एकदम यूनिक फ्लेवर है। यानी इंडिया में आइसक्रीम के फ्लेवर्स इतने सारे मिल जाते हैं। तो गाइज इस व्लॉग में आज इतना ही, बहुत कुछ दिखा दिया मैंने, मैं भी थक गई हूँ और खाऊंगी बस यहाँ पे। तो मैं खाने के लिए आई हूँ जयपुर में, और फैमिली के साथ बॉन्डिंग करने के लिए भी। चंचल के साथ भी मैं पहली बार इतना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, उससे पहले तो उसकी शादी हुई थी तब आई थी मैं। आप लोग भी सब्सक्राइब लाइक और कमेंट वगैरह कर दो, यानी 73% लोग जो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा और आपका भी कुछ नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई लव यू ऑल, बाई।